नमस्कार। ये कई दिन है सारा ओडिशा उठुच पड़ुच्छे अर्चना नागफासर कथा समस्त प्राय विभिन्न गणमाध्यम मुद्रण माध्यम इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया पाउचंती अधिक नजर भी रही अधिक चर्चा भी होची सारा ओडिशा रे केमिति अर्चना माया जाल रूपर जाल बुद्धिर जाल फसी 50 रु अधिक प्रभावशाली नेता तांक भीतर अछंती मंत्री विधायक शासक दल विशेषकर विजु जनता दल बहु विधायक मंत्री नाम भी आसुची पूर्वतन बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र नाम भी सेतर अच्छी अन्य दल भी बहु बीजेपी एवं कांग्रेस नाम भी अच्छे तो बहुत लोग फसी व्यवसायी अच्छा प्रयोजक अच्छा ठिकादार भी अच्छा फसी आम केवल ये राजनैतिक नेता मान चरित्र विषय आलोचना करवा अर्चना जाल में फसी लोक मैंने राजनैतिक नेता मान चरित्र कौन एथर तो सहज बुझी हो पैसा आदाय कर अर्चना कोटी कोटी टकर घर कर संपत्ति कर चारे यू कौन साधुसंत कमें जो मानक विश्वास करें विजु जनता दल सभापति नवीन पट्टनायक जहाँ को आम मुख्यमंत्री भाव में पांच थर निर्वाचित कर राज्यवासी कर समस्ते जानते नवीन बाबू जो सरल लोक साधु लोक सचोट लोक मछक माँ बोल कहते दुर्नीति करते ना लुटपाट करते ना कि करते ना बहुत भल कम ओडापी दल को भी कहुच्छे गोटे एवं नुआ स्लोगान दल रहा आगर था विजु जनता दल ओडा लोक बल एवं कौन विजु जनता दल एक राज सामाजिक आंदोलन है आंदोलन कौन या अर्चना नायक पाखे जा 40-50 लोक घर पुणी टेंडर फिक्सिंग होता टेंडर फिक्सिंग जो मैंने करुले संपृक्ति के ना जाना ना कि इतिहास भी विजु जनता दल अच्छी टेंडर फिक्सिंग नहीं हत्याकांड हो डबल मर्डर हो प्राची डिविजन डबल मर्डर से भी जे मंत्री मैंने विधायक बीजेडी जे विधायक नेता मान संपृक्ति से कथा होता 2005-06 मसीह से घटना होता प्राची अनिल छोटराय बोली जे गैंगस्टर धरा भी पड़ते परवर्त समय जमशेदपुर जाते से बीजेडी जन कर्मकर्ता सहित संपृक्त थे बोली कथा आसला से केस बाएं बाएं गला परवर्त समय केन्द्रापड़ार गोटे प्रदीप परिडा मर्डर केस होता से भी जो ठिकादार था रईभाली जो परस्पर शत्रुता जो से हत्या कराइला बोली कहला टेंडर फिक्सिंग के नहींक्र से जन बीजेडी आगधार नेता जुवनेता संपृक्त थी अभोग होता से नेता बर्तमान मंत्री अच्छा किसी दिन मंत्री आगुरी भी थे आज जन सेमती गोटे मर्डर केस होता रंजन दास से केन्द्रापड़ा से जन बीजेडी आगधार कर्मकर्ता मैंने ना उठी ये 2022 मसीहा कथा आम देखा 2022 अक्टोबर में चलती अर्चनार नागफास कथा समस्त जानुंत 2022 कई दिन पूर्व सेप्टेम्बर मस घटना बीजेडी जन जन नेता आत्महत्या कले जिला परिषद सदस्य थे गोप अंचल निमापड़ा निर्वाचन मंडल धर्मेन्द्र साहू तांकर मृत्यु को लेकिन सेमती नाना कथा शुणाला काले मंत्री समीर दास 70 लाख टंका देते कला टंका लुचे रखापी सुध कारबार करने से टंका दबा नबार गंडगोल है से फेर ये कथा शुणाला पुणी धर्मेन्द्र साहू को स्त्री सहित अनैतिक संपर्क थी कथा शुणाला से केस कड़े कड़े बाएं बाएं गला धर्मेन्द्र साहू आत्महत्या कर पुलिस सब प्रकार प्रमाण कला से केस जब तुटी नहीं कौन हम भविष्य में किसी कही हेना मार्च मस घटना ये 2022 मार्च मस घटना बिंझारपुर अंचल रे गोटे बोमा माड़ है जड़े ठिकादार बाली सैरात नहीं जड़े लोक सुरेंद्र दास बोली मृत्यु होवर्त समय चाप पड़ पुलिस बाध्य दुजण को गिरफ्त कला सी दुजण है बर्तमान जी आम राजस्व मंत्री अच्छा प्रमीला मल्लिक कुटुंब लोक हिसाब से दादा जड़े बोध आज जे भाई की पुत्र है कुटुंबर लोक है से संपृक्ति कहगला कि तदंत फदंत किसी है बालिक नहींक्री ओडा सारा के गंडगोल होने समस्त जानूं प्राय घटन तहसिलदार मान मड़ खाऊँ बाली ट्रक सीज करने मड़ खाई फेर एते माफियागिरी बढ़ीगला किए करूँ से कथा ओडावासी तो सबुठ बीजेडी को भोट दौंत बीजेडी लोक मान तो कह कौटे एक जमापड़ी विधायक मैंने मंत्री मैंने जा हाजर होती बाली चोरा लुटपाट हो जापार ना ना से संपृक्ति अच्छी अधिकांश जगह संपृक्ति थपे कि तदंत कर किए सरकार से मैंने येमती बिंझारपुर बोमा माड़ होकर जी बा ठिका नहीं था सैरात नहीं था पैसा देकर सरकार को राजस्व देकर सी मला जो मैंने बा लुट करुले बोमा माड़े ये चरित्र लोक मान सब नवीन बाबू सांगे अच्छा कुमारी मन विचार संग गहले नाश जाए
तार कई दिन पूर्व आम देखा 2021 मसीहा जब फेरी जावा से अक्टोबर मसरे आप घटना घटेला ममिता मेहर सारा ओडिशा को भी से चांचल्य सृष्टि करता ममिता मेहर हत्याकांड कलाहांडीर गोटे जूनागढ़ निर्वाचन मंडल गोलामुंडा ना कौन से जगार गोटे कलेज स्कूल शिक्षयित्री शिक्षकता करुले ममिता मेहर सी कलेजर प्रतिष्ठाता गोविंद साहूंर सेक्सुआल एक्सापेट्स यौन कलंकारी घटना जमी अर्चना नायक घटना चलती बर्तमान से क्या जाणीगले हत्या कर दिगला से जो मंत्री संप्रक्त थी कथा से उठीला दिव्यशंकर मिश्र जी से राष्ट्र पाहार थे गृहमंत्री आम ओडार शक्ति विभाग शिल्प विभाग दायित्व थे ना चर्चा है बहुत कथा किसी है ना गोविंद साहू आरेस्ट हेले जमीन पाइक बर्तमान अच्छा हूँ किसी दिन पर निर्दोष खलास हो जापारे भी 2021 जनवरी मस महांगारे डबल मर्डर केस है कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल नामक दुईज वृद्ध को हत्या कराला से बीजेपी थे और बीजेडी लोक मैंने हत्या कले से बहुत तुम्बित फान है सेठिकार आईएससी से केस ठीक भाव में तदंत करूले चाप पड़ पुणी कोर्टर भर्सना शुणवर से समस्त ना इनक्लूड है एफआईआर जो मान था भी जेरा कराला तदंत कराला एफआईआर ना था मंत्री प्रताप जेना एपर्तंत भी जेरा कराए कोर्ट कह सत्वे विभिन्न कारण आईआईसी बदली हुए नहीं मध्य बोधे कि घटना सेमती रही किसी हो साधु सन्त लोक बीजेडी एक साधु सन्त दल निश्चित भाव में यही घटनाटा आम देखते नवीन बाबू भावमूर्ति शक्ति को पुष्ट परिपुष्ट शक्तिशाली कर लोक मान भावमूर्ति देखा जामती 2019 मसीह देखिए स्मिताराणी विश्वाल बोली जड़े धर्मशाला स्मिताराणी विश्वाल पंचायत एक्जिक्यूटिव अफिसर हरिदासपुर पंचायत आत्महत्या कले गोटे गेस्ट हाउस आत्महत्या कले झुलिकी पायखाना बाथरूम सावर झुलिकी आत्महत्या कले कहला से गेस्ट हाउस इट सेल्फ गेस्ट हाउस भी बेआईन थी सरकारी जमी में गोटे गेस्ट हाउस होकर 8-10 वर्ष धरिकी चलता से बहुत लोग आप्यायित होते से गोटे सीमेंट कारखानार बड़ बड़ बाबू मैंने आसुले भुवनेश्वर रू किसी जाऊते कि जाजपुर रू किसी आसते सब आप्यायित होते कौन कौन चलता भगवान जानतीपर तदंत अधिक आगेला कि पुलिस किसी कहला ना कि स्मिताराणी को आत्महत्या करने पड़ता कहीं आत्महत्या कले कौन है सेटा भी स्पष्ट एपर्तंत है ना 2019 मसीह घटनाटा घटेला अक्टोबर मसरे तो चुप्त रहा 2011 को जब आम जा नवेम्बर मसरे बेबिना पिपिली गोटे बेबिना बोली झीटे अनकनसियस अवस्था बेहोश अवस्था मिलते हैं परवर्त समय मृत्यु होगा चिकित्साधीन अवस्था से धर्षण कराइला सहित दुष्कर्म होता गणदुष्कर्म होता से अभियोग उठाला जो मैंने दुष्कर्म कर गिरफ्त हो पुलिस सहित पुलिस गिरफ्त करता दु तीन जन को सेवर्त समय निर्दोष खलास है से पिपिलर विधायक और मंत्री राज्य कैबिनेट पाहर मंत्री थे प्रदीप महाराथी से कहे न्याय मिलला बेबिना को भी न्याय मिलला से अपराधी की जो मैंने अभियुक्त को भी न्याय मिलला कहले सेमती बद सृष्टि कला बाध्य कि नवीन बाबू मंत्रिमंडल इस्तीफा देवाई कहते से इस्तीफा देते भी से बद पड़कर 2006 मसीह गोटे छवि वर्धन बोली गोटे लोकर सी सेमती आत्महत्या कला जन बीजेडी विधायक घरे घरे गोटे छोट ग गोड़ पूरा तले लगुच जन आत्महत्या करता छवि वर्धन कर्मचारी कर्मी विजु जनता दल समर्थक सी कले कहगला से अभियोग विरोधी दल मैंने स्वाभाविक भाव कले मंत्री अरुण साहू सहित जड़ित बोली कितु से घटना से रहा से आत्महत्या कले साबित है पुलिस समस्त खलास पलैले मंत्री मैंने अरुण साहू को जेरा हलानी कि किसी हलानी से रही एभली कहीं घटना सब घटू जान देखिए आप चित्तरंजन पल्लई यहाँ 2021 मसीहार घटना पुणी ब्रह्मगिरी अंचल से होती संजय दास वर्मा जे योजना बोर्ड उपाध्यक्ष थे पूर्वर ता पूर्व मंत्री थे राज्य सरकार सी तर चित्तरंजन पल्लईर संदेहजनक मृत्यु है हत्या करा प्रमाण है किए हत्या कला कौन कला से सब पाए बाई गला दिज लोक जदि जेरार सम्मुखीन होते सी घटना से रहीगला चपीगला उठूना जो प्राची डिविजन मर्डर केस कथा कहते हैं 2005 घटी अनिल छोटराय को गिरफ्त कराइला जमशेदपुर से विधायक विजु जनता दल किसी लोक संप्रति थी कहगला से घटना सेट रहा 2005 प्रदीप प्रडा मर्डर केस 2017 महेन्द्र स्वाई पारादीप सीवेज सिपिंग
ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେଠି ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଇଭାଲି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସେଥିରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ ବିଜେଡି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଉଦଳାର 2014 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିରେ ରହିବେ ତାକୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦଳ କୁହାଯିବ ନା ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ସାଧୁସନ୍ଥ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି କଥା କହୁନି, ଏମିତି ବିଜେପିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଘଟଣାରେ ବି କେତେଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଲାଣି, ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ କାହା କାହା ନାଁ ଉଠୁଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ବି ସେମିତି ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାରା ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସରେ କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଡାନ ହଜାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେମିତି କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ କଥା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇମେଜ୍ ଉପରେ କେତେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଉପରେ କେତେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଉପରେ କେତେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା କଥା। ଏଭଳି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା କଥା, କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା, କେତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା କଥା, କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବା କଥା, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ଆଖର ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କଲେଣି କରିବେ, ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି ଏଭଳି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ସେଇ ଦଳ, ବିଜେଡ଼ିର ଦଳ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କେତେ 5-10-50 CBI ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଲେ, ପୁଣି ବାହାର କଲେ, ଚାଲିଲା ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍, ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲାଣି, କୃଷି ଦୁର୍ନୀତି, ବିହନ ଦୁର୍ନୀତି, ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଲାଣି, କେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସାଧୁସନ୍ତ? କେବଳ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ସବୁ ଦଳରେ ଏଭଳି ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେ ଦଳରୁ ଆସିକି ଏ ଦଳରେ, ଏ ଦଳରୁ ଯାଇ ସେ ଦଳରେ, ଏମିତି ବି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି। ଓଲଟ ପାଲଟ ଯୁଗରେ ସବୁ ଦଳ ବଦଳମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହିବା ଦ୍ୱାରା, ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷମତାସେନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି? ଦେଶର, ରାଜ୍ୟର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର, ଏକଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ, ଯେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାଭିମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି? ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି? ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଫସିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ? ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ, ଏମିତି କେହି ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂରେ ଶିକାର ହୋଇକି ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଘର ପୋଷିବା ପାଇଁ ପଇସା ଯଦି ଅଭାବ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା ଦେଉଥାନ୍ତେ, ବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଉଦ୍ଭୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ହେବ ସେ କେସ୍ ଭଗବାନ ଜାଣେ, ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରିକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାଙ୍କ ଦଳର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଅନୁଭାବୀମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।